प्रभातखबर.com विश्वास वही रफ्तार नई। नमस्कार, मैं मधुरेश नारायण, प्रभात खबर प्राइम के इस स्पेशल शो में आपका स्वागत है। हमारे साथ में अमित निगम जी हैं। अमित निगम जी फाइनेंशियल एडवाइजर हैं। वर्षों से इन्होंने लाखों लोगों को आज तक फाइनेंस से रिलेटेड एडवाइस दिया है। प्लानिंग इन्होंने बताई है किस तरीके से अपनी लाइफ को फाइनेंशियली स्मूथ चलाएं, और आज हमारे साथ ये बात करेंगे कि किस तरीके से हम अपने बच्चों के भविष्य को लेकर के जो चिंतित रहते हैं उनको कैसे सिक्योर करें। चाइल्ड प्लानिंग, चाइल्ड इन्वेस्टमेंट, आज के डेट में मार्केट में बहुत सारे स्कीम्स आ गए हैं, लेकिन अमित निगम जी से हम जानेंगे कि किस तरीके से और कहाँ इन्वेस्टमेंट करें कि हमारे बच्चों का भविष्य सिक्योर रहे। सर, सबसे पहले हमारा सवाल ये है कि अभिभावक अपने बच्चों को लेकर के हमेशा ही परेशान तो रहती हैं भविष्य और उनकी जरूरतों को, छोटी जरूरत से लेकर बड़ी जरूरत को पूरा करने तक में, तो ये चाइल्ड फाइनेंशियल प्लानिंग क्या है सर, इसको कैसे करते हैं? जितने भी पेरेंट्स हैं उनका जो सबसे बड़ा अटेंशन रहता है बच्चों के प्रति कि उनका एक भविष्य स्टेबल हो, फाइनेंशियली वो स्ट्रांग हो, इसी के लिए वो जिंदगी भर सोचते हैं और उसी के लिए वो कमाते भी काफी। तो मेरा ये कहना है कि जब भी आप फाइनेंशियल अपने बच्चों की फाइनेंशियल प्लानिंग करें या बच्चों के भविष्य के बारे में हम कहाँ इन्वेस्ट करें इसके लिए सोचें, तो कुछ स्टेप्स को आप ध्यान रखें। सबसे पहले आपको क्या करना चाहिए कि आपके क्या गोल्स है, मतलब गोल्स का मतलब ये है कि आपको उसकी ट्यूशन फीस देनी है, और देखिए हर चीज के लिए आपको पैसे की जरूरत होती है, तो हम जो भी गोल बताएंगे उसको मॉनेटरी टर्म से आपको देखना होगा। जैसे आपको ट्यूशन फीस है, उसके बाद आपको उसमें ये देखना होगा कि उसके अंदर उसको आपको लैपटॉप देना है पढ़ने के लिए, हायर एजुकेशन के लिए भेजना है, एनुअल ट्रिप उसके यहाँ जो जाता है उसके लिए देना है, उसकी शादी करनी है और उसको आगे इनहेरेंट प्रॉपर्टी भी देनी है, इनहेरेंट अपनी जायदाद है इनहेरिटेंस करनी है। तो ये सब आपके फाइनेंशियल गोल है। सबसे पहले तो आप इसको एक सफेद पेपर पे आप लिखना चाहिए कि क्या क्या गोल्स। उसके बाद जो दूसरा स्टेप आपको करना चाहिए कि जो गोल आपने किए हैं उसको आपको प्रायोरिटाइज करना चाहिए। प्रायोरिटाइज मतलब कौन सा गोल आपके लिए पहले है। जैसे जो उसकी रनिंग ट्यूशन फीस है, मेरा कहने का मतलब यह है कि जो रनिंग ट्यूशन फीस है वो आपकी प्रायोरिटी है, या उसको अभी ये दिलाना है, लैपटॉप दिलाना है, या कोई साइकिल या व्हीकल दिलाना है, ये आपके शॉर्ट टर्म्स बच्चे के गोल है। हायर एजुकेशन थोड़ा लॉन्ग टर्म के लिए हो गया, मैरिज आपके लिए लॉन्ग टर्म हो गई, इनहेरिटेंस आपकी लॉन्ग टर्म, तो आपको ये प्रायोरिटाइज करना पड़ेगा कि कौन कौन से। उसके बाद जो तीसरा स्टेप ये है कि हर चीज की एक कॉस्ट है, मतलब जैसे अगर आप हायर एजुकेशन के बारे में सोच रहे हैं तो आपको एक चीज ये ध्यान रखनी होगी कि कितने स्पीड से एजुकेशन की जो कॉस्ट है वो इंक्रीज हो रही है। जो अगर आप जैसे अगर आज आप हायर एजुकेशन के लिए अगर आप 10 लाख का लोन लेते हैं, ठीक है, 10 लाख में अगर आपको हायर एजुकेशन मिल जाती है आपके बच्चे की, तो 15 और 20 साल के बाद ये 25 लाख से 30 लाख के करीब हो जाएंगे। तो आपको जो भी गोल्स है उसको उसकी प्रेजेंट वैल्यू, और उसके साथ में आपको ये भी ध्यान रखना पड़ेगा कि फ्यूचर में उसकी क्या वैल्यू। बिल्कुल सर, जानने से पहले हमें ये जानना जरूरी है कि प्लान्स को हम कुछ कैटेगरीज में उसको डिवाइड कर सकते। जैसे पहले कैटेगरी है कि हम उसको फिक्स्ड इनकम जो प्लान्स है उनको कर सकते हैं, जिसमें एफडी है, आरडी है, सुकन्या है, तो इसमें इंटरेस्ट आपको एक फिक्स अमाउंट में मिलता है। दूसरा है जो मार्केट से लिंक्ड प्रोडक्ट, ठीक है, जैसे म्यूचुअल फंड है, यूलिप्स है, इस तरह से। उसके बाद तीसरा एक इम्पोर्टेंट जो आप ये समझते हैं वो है गोल्ड है। गोल्ड भी एक बच्चों की मैरिज के लिए, हिंदुस्तान में आप ये जानते हैं कि सबको शादी में कुछ ना कुछ अपनी हैसियत के हिसाब से उनको गोल्ड देना पड़ता है,
जी आप उसके लिए इनहेरिटेंस के लिए, ताकि देखिए हर आदमी इमोशनल होता है, अपने बच्चे के लिए सोचता है, तो रियल स्टेट को भी एक वो माना जा सकता है। तो ये जो चारों ब्रॉड कैटेगरी मैंने आपको जो डिवाइड करी है, म्यूचुअल फंड, आप म्यूचुअल फंड को दो भाग में कर सकते हैं, इक्विटी और डेट में कर सकते हैं, या आप स्टॉक्स को भी ले सकते हैं। तो मेरा ये कहने का मतलब ये मोटे मोटे ब्रॉड कैटेगरीज हैं जिसमें आप प्रोडक्ट्स अवेलेबल है चाइल्ड एजुकेशन के, चाइल्ड के फ्यूचर के। सर मिनिमम कितना इन्वेस्टमेंट अपनी सैलरी का या अपने इनकम का बच्चों के लिए इन्वेस्ट करना चाहिए? कुछ क्राइटेरिया जैसे 20% 10% करें, बाकी किसी और कामों में? मैं इस मामले में दो तीन चीजों को इम्पोर्टेंट फैक्टर कहता हूँ। एक, आपका रिस्क प्रोफाइल जरूर होना चाहिए जी। हर आदमी का रिस्क प्रोफाइल एक अलग होता है, आपकी रिस्क एपिटाइट कितनी है, इन सब चीजों प्लस आपके ऊपर रिस्क प्रोफाइल में ये सब चीजें भी आ जाएंगी कि मैं जो कहता हूँ एक प्रोफाइलिंग में कि आपके ऊपर कितने डिपेंडेंट जी, क्या आपकी स्थिति है। अब देखिए दो जने सेम ऑफिस में सेम सैलरी पे काम करते हैं लेकिन दोनों का रिस्क प्रोफाइल टोटली डिफरेंट होगा। क्यों? हो सकता है एक के पार्टनर भी अर्निंग हो, दूसरे का पार्टनर अर्निंग नहीं। एक का ही हो सकता है तो उसके पास जो है कोई डिपेंडेंट ज्यादा नहीं है, केवल एक या दो बच्चे हैं, दूसरे के संग उसके पेरेंट्स भी साथ रहते हैं, उसके सिस्टर्स भी साथ रहती है। तो ये सब चीजों का डिपेंडेंसी आपको एक रिस्क प्रोफाइल बनाना पड़ेगा, उसके बेसिस पे आपको ये डिसाइड करना पड़ेगा कि मैं कितना अमाउंट सेव कर सकता। दूसरी चीज, आप अपने बच्चे को क्या चीज कराना चाहते हैं। तो मैंने आपसे ये बोला था कि एक तो रिस्क को, जो मैंने आपसे कहा था गोल को प्रायोरिटाइज करिए, प्रायोरिटाइज के बेसिस पे आपके कितने एक्सपेंसेस हैं। तो मेरा यह कहने का मतलब है कि गोल आप कुछ भी बना सकते, लेकिन गोल शुड बी रियलिस्टिक। ऐसा गोल नहीं होना चाहिए कि जो आप अचीव नहीं कर सकते। आपको अपनी कंडीशन को देखते हुए बनाना पड़ेगा कि क्या आप कर मिनिमम कितना इन्वेस्टमेंट करें। ठीक है, मैंने आपको यहाँ पे एक चीज ये बोली, आप पहले अपने गोल को प्रायोरिटाइज करिए, कितने एक्सपेंसेस लगेंगे, फिर अपनी रिस्क प्रोफाइल स्थिति देखते हुए कि आप 10% अपनी एनुअल सैलरी का बचा सकते हैं या 20% आप बचा सकते हैं, वो आपको करना पड़ेगा। ज्यादातर मैंने ये देखा है कि लोग 15-20% अपनी एनुअल सैलरी का लोग बचा लेते हैं। इन सब चीजों को आप कर लेंगे तो आपको कुछ चीजें ये डिसाइड करनी चाहिए जो फाइनली जो डॉन्ट्स है कि एक तो आपके गोल रियलिस्टिक होने चाहिए, दूसरा जो आपने प्लान बनाया है उसमें आप स्टिक रहिए। और जैसे बीच बीच में आपको जो इंफॉर्मेशन आती है ना, शॉर्ट टर्म न्यूज या नॉइस, मतलब जैसे कहते हैं शोर उठता है, ये हो रहा है वो हो रहा है, तो आप उससे बह ना जाए। बिल्कुल, मतलब डूज एंड डोंट्स का भी ख्याल रखना जरूरी है। दूसरी चीज, जैसे मैं ये यहाँ पे कह रहा था कि आपने जो गोल्स हैं, जो जैसे आपकी जो फीस वगैरह है, ये आपको अपने जो है ना फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटीज वगैरह से, अब आपको मैंने ये आगे ये बताना चाह रहा हूँ कि कैसे आप अपने पैसे को एलोकेट कर सकते हैं डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट्स। जैसे कहने का मतलब है, जैसे ट्यूशन फीस वगैरह है, वो आप ट्यूशन फीस है या उसको लैपटॉप दिलाना है, तो इसके लिए आप जो शॉर्ट टर्म होते हैं जैसे अपने सेविंग अकाउंट्स के जो पैसे हैं उसमें से आप उसको उसका गोल मीट आउट कर सकते हैं या रनिंग आपके एक्सपेंसेस हैं। दूसरा चीज ये है कि आपके पास एक साल के बाद आपको इन्वेस्ट करना है, जैसे उसके एनुअल ट्रिप के लिए, तो आप उसमें शॉर्ट टर्म डेट फंड्स ले सकते हैं। लॉन्ग टर्म के लिए आप क्या कर सकते हैं, जैसे आपको पता है कि हायर एजुकेशन 12-13 साल के बाद होनी है, तो उसके लिए आप इक्विटी स्कीम्स या लॉन्ग म्यूचुअल फंड्स की स्कीम्स को आप चूज कर सकते हैं। ठीक है, और जैसे आपने इनहेरिटेंस में कुछ देना है तो आप उसके लिए भी कोई प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं। मेरा ये कहने का मतलब है हर प्रोडक्ट के लिए, मतलब अपनी जरूरत को सबसे पहले पहचानने की जरूरत है और उसके अकॉर्डिंग प्लान करना। तो थैंक यू वेरी मच सर, आपने बहुत बढ़िया हमें इंफॉर्मेशन दिया चाइल्ड इन्वेस्टमेंट अपने बच्चों के भविष्य को कैसे सिक्योर करें इसके बारे में। प्रभात खबर.com, विश्वास वही रफ्तार नहीं।